हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। ये जो हमारी सीरीज है, इसमें हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू को। तो पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किया जाता है आपका, और जो भी एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं वो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैंने चूज किया है वो सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो हमारे डिस्कशन का फॉर्मेट होगा। सबसे पहले हम ईएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद गेट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट में हम स्टेट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं आपको एश्योर करना चाहूंगा कि अगर ये लेक्चर्स आप पूरा देखते हो और जो भी डिस्क्रिप्शन मैं दे रहा हूँ उन क्वेश्चन के, अगर आप उसको समझ पाते हो, तो आई अश्योर यू कि जो भी जिस एग्जाम में भी आप बैठोगे आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर आरएसी से क्वेश्चन पूछा गया है तो 100% ये लेक्चर जो है आपका बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर को। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको सर्च करना है @ManuAcademy। आप मनु अकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूलें। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, A condenser of refrigeration system rejected heat at the rate of 120 kilowatt, while its compressor consumed the power of 30 kilowatt. The coefficient of the performance of the system would be. यहाँ पे आपसे coefficient पूछा है, simple सा question है, but बहुत important है, बहुत बार इससे related आपसे question पूछा जाता है। एक चीज मैं और आपसे यहाँ पे share करना चाहूँगा कि किस type के format particularly इस question से related पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे COP पूछा है refrigerator का, कभी आपसे पूछ लेगा pump का, कभी कभी आपसे एफिशिएंसी पूछ लेता है हीट इंजन का, कभी आपसे ये पूछ लेता है कि ये तीनों में रिलेशन बताओ। एफिशिएंसी में रिलेशन पूछ लेगा, सीओपी या पंप एंड रेफ्रिजरेटर में रिलेशन पूछ लेगा। सम टाइम आपसे इसके थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि पर्टिकुलरली ये कौन से लॉ पे बेस्ड वर्क करते हैं, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे तो सीओपी हम फाइंड आउट कर लेंगे, आगे आपको रिलेशन भी मिलेगा। एफिशियंसी और सीओपी दोनों में रिलेशन हम आगे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं ऑलरेडी। बट अगर आपसे ये पूछता है कि किस लॉ पे काम करते हैं, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करते हैं हमारा रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन, दोनों हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करते हैं। अगर स्पेसिफिक पूछता है तो जो हमारा हीट इंजन है वो कैल्विन स्टेटमेंट पे वर्क करता है, और जो हमारी रेफ्रिजरेटर या फिर पंप है ये हमारा क्लासियस स्टेटमेंट पे वर्क करता है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आपसे सीओपी पूछा है, यू नो दैट कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस, इससे रिलेटेड चीजें मैंने डिस्कस किया हुआ इंटरव्यू सीरीज में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए देखिए सीओपी कैसे रेटिंग से रिलेटेड होती है, कंप्रेसर से कैसे रिलेटेड होती है, ये सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। तो सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, ऑल यू नो सीओपी इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। वर्क इनपुट कहाँ पे आप देते हो, वर्क इनपुट देते हो आप कंप्रेसर को, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको कहाँ पे मिलता है, इवापोरेटर में मिलता है। ये सारी चीजें भी पूछी जा सकती हैं आपसे। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है वो कौन से कंपोनेंट से या कौन से कंपोनेंट में मिलता है। तो इस टाइप के सिंपल जो आपके स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार आपको ये डायग्राम बहुत मतलब ड्रॉ ही करना है, ताकि आपकी जो एरर आने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, आपका क्वेश्चन सही बनेगा। चाहे आपसे हीट इंजन का क्वेश्चन पूछे, हीट पंप का पूछे, या रेफ्रिजरेटर का, ये डायग्राम आपको जरूर ड्रॉ करना है। हाँ, वहाँ पे मैटर करता है कि आपका जो डायग्राम का फ्लो होगा वो कैसे होगा। जैसे यहाँ पे रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड पूछा है, तो सपोज कर लेते हैं ये हमारा टेम्परेचर T1 है, ये हमारा टेम्परेचर T2 है, और यहाँ पे T1 ग्रेटर देन होगा T2 के। यहाँ से हमारा ये इवापोरेटर है, ये हमारा इवापोरेटर है जहाँ पे हमको क्या होता है हीट एब्जॉर्ब करता है हमारे सिस्टम से और कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो दिस इज Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे हमने कुछ वर्क सप्लाई किया हुआ, वर्क सप्लाई किसको करते हो आप, कंप्रेसर को करते हो। यहाँ के बाद हम हीट रिजेक्ट करते हैं हायर बॉडी टेम्परेचर को, जो कि हमारा इन्वायरमेंट है अगर हम फिजिकली देखें तो। और यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर में हम हीट रिजेक्शन करते हैं, हमारा जो यहाँ पे वेपर होता है वो लिक्विफाई हो जाता है, तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और इन दोनों को ऐड करके ये Q1 हो जाता है। तो ये एक सिंपल डायग्राम है, आपको ड्रॉ करना है। अगर यही पंप रहेगा तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की जगह पे आप ये लोगे, अगर यही रेफ्रिजरेटर है तो आप Q2 लोगे, ठीक है। जो डिजायरेबल क्वालिटी होती है, जो डिजायरेबल क्वांटिटी होती है उसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो सिंपली विल गेट द एंसर COP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से Q2 डिवाइडेड बाई W, वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको ये चीज दिया गया है कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो किस रेट से हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो हीट रिजेक्शन क्या है, Q1 है, तो Q1 की वैल्यू आपके पास है 120, एंड W की वैल्यू भी आपके पास है, दैट इज 30 किलोवाट। आपको चाहिए क्या, Q2 चाहिए। तो Q2 कैसे फाइंड आउट करोगे, एनर्जी बैलेंस के। तो ये हो जाएगा Q2
प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहां से क्यू वन हो जाएगा, यहां से आपको क्यू टू की वैल्यू मिल जाएगी, क्यू वन माइनस डब्ल्यू। तो क्यू वन कितना है आपका, दैट इज 120 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 90। तो आपको मिल गया सी ओ पी इज इक्वल टू, दैट इज 90 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया हमारा आंसर, सी इज करेक्ट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज इन एयरक्राफ्ट एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज बिकॉज, क्यों यूज की जाती है, उसके रीजन में डिस्कस करूंगा। पहले आप ये जान लो कि जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है, इसके और भी नाम होते हैं, इसे हम रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल भी कहते हैं या फिर जूल साइकिल भी कहते हैं। बहुत बार आप कंफ्यूज जाते हो अगर सेपरेट नाम आ जाता है तो। अब यहाँ पे एयरक्राफ्ट में हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल ही क्यों यूज करते हैं, पहला रीजन कि एयर हमको फ्रीली अवेलेबल होती है, टॉक्सिक नहीं होती है, और जहाँ पे हमारे एयरप्लेन फ्लाई करता है वहाँ का टेम्परेचर काफी कम होता है, तो ऑलरेडी हमको कूलिंग इफेक्ट वहाँ से मिल सकता है, बट वहाँ पे और भी कंस्ट्रेंट होते हैं। तो अराउंड अराउंड जो हमारे हाई एल्टीट्यूड प्लेन होते हैं वो फ्लाई करते हैं 1000 मीटर के आसपास, जहाँ का अगर हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करें तो प्रेशर अराउंड 2 bar के आसपास होता है, टेम्परेचर होता है अराउंड 2 to 3 Kelvin, मतलब -50 Kelvin के, -50 degree centigrade के आसपास, तो बहुत ही कम टेम्परेचर होता है और प्रेशर भी बहुत कम होता है। इसका रीजन यही होता है कि कभी कभी आप जब अंदर बैठे हो प्लेन में आपको घबराहट होती है, क्योंकि हम इसको कंप्रेस करके प्रेशर तो बढ़ा देते हैं, बट जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं इसको, हम 1 bar के आसपास जैसे ही प्रेशर को करते हैं, हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 80 degree 90 degree के आसपास हो जाता है, ठीक है, कंप्रेस करने की वजह से। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट है उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे, हम इसका जो प्रेशर है वो अराउंड टू अराउंड 0.8 बार या 0.9 बार के आसपास रखते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से थोड़ा सा कम है। इसीलिए जिन जिन लोगों की बॉडी थोड़ी सेंसिटिव होती है ना, उनको प्लेन में बैठने में थोड़ी सी घबराहट होती है, और ये जो कूलिंग इफेक्ट हमको करना पड़ता है, जो कूलिंग करना पड़ता है कंप्रेशन के बाद, उस कूलिंग में हम यूज करते हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। अब एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसीलिए यूज करते हैं, पहला तो हमको फ्रीली एयर अवेलेबल है, दूसरी चीज कि यहाँ पे जो वेट टू रेफ्रिजरेशन, जो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन रेशियो होता है वो काफी कम होता है। वो कम इसलिए होता है कि ऑलरेडी हमारे पास हमारे सिस्टम में कंप्रेशर अवेलेबल होता है, ठीक है, टर्बो कंप्रेसर ऑलरेडी अवेलेबल होता है जिसका हम यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमको सेपरेट कंप्रेसर की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके वजह से हमारे साइकिल की, हमारे पूरे सिस्टम की, रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जो वेट होता है वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो अगर हम बात करें पर यूनिट वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो वो काफी कम होता है, इसलिए हम इसको प्रीफर्ड करते हैं एज कंपेरिजन टू वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसके अलावा भी एडवांटेज जो होते हैं मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सीओपी पूछा गया है हीट पंप का, इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो आपको दिया गया है, हाई बॉडी टेम्परेचर जो है वो 600 Kelvin है और लो बॉडी टेम्परेचर 300 Kelvin है। तो यहाँ पे आपको सीओपी पूछा गया है, इससे पहले हमने सीओपी फाइंड आउट किया था, दैट इज द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यहाँ पे हीट पंप है तो हमारा जो डिजायरेबल इफेक्ट है वो यहाँ पे चेंज हो गया है, जैसे कि मैंने इससे पहले डायग्राम में आपको बताया था कि जो हमारा डिजायरेबल इफेक्ट होता है यहाँ पे Q2 होता है, बट यहाँ पे डिजायरेबल इफेक्ट हमारा Q1 होता है। Q1 क्या करता है, मतलब हम हीटिंग के लिए इसको यूज कर रहे हैं, इस सिस्टम को हम हीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, जब डिजायरेबल इफेक्ट Q2 होगा, मतलब इस सिस्टम को हम कूलिंग के लिए यूज करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है। आपने पढ़ा भी होगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं नहीं तो लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया गया है और सीओपी का फॉर्मूला आपको पता है, सीओपी यहाँ पे डिजायरेबल इफेक्ट क्या है, Q1 है, वर्क इनपुट क्या है, W है, तो वर्क इनपुट W रख देते हैं, बट आपको Q1 नहीं दिया गया है, W नहीं दिया गया है, तो आप कैसे वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, एनर्जी बैलेंस फॉर्मूला इसमें लगाओ, तो ये हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2, ये फॉर्मूला आप जानते होगे, बट ये कॉर्नोट साइकिल पे वर्क कर रहा है, तो कॉर्नोट साइकिल कैसी साइकिल होती है, रिवर्सिबल साइकिल होती है। जब ये रिवर्सिबल साइकिल है तो यू कैन अप्लाई द क्लासियस इनइक्वालिटीज, दैट इज Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। तो यहाँ पे जो Q1 Q2 है इसको हम टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको टेम्परेचर के टर्म्स में लिखते हो तो यू विल गेट T1 मतलब हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई T1 हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर T2, या फिर THTL इसको लिखते हैं। हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है 600 Kelvin डिवाइडेड बाई 600 Kelvin माइनस 300 Kelvin, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी सीओपी आएगी 2, तो यहाँ पे भी जो आपका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्विवेलेंट टू, यूनिट से बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, दैट इज इक्वल टू 3.5 kW। इसको डिफाइन किसने किया था, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स ने डिसाइड किया था इसको। उन्होंने कहा था कि जो 1 ton आइस है एट 0 degree centigrade, जब आप इसको 0 degree centigrade के वाटर में कन्वर्ट कर देते हो इन 24 hours, तो यहाँ से जो भी हीट रिलीज होती है उसको हम कंसिडर करेंगे 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन के इक्वल, या फिर इसके अपोजिट भी ले सकते हो आप,
आपके पास वाटर है आइस की जगह पे, और वाटर को आइस में कन्वर्ट करने में, मतलब 0 डिग्री के वाटर को आइस में कन्वर्ट करने में 24 आवर में जितना हीट आपको देनी पड़ेगी वो भी इक्वल कंसिडर किया जाएगा 1 टन के। बट डेफिनेटली आइस से वाटर में जाना, वाटर से आइस में जाना, क्योंकि मॉलिकुलर स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, तो यहाँ पे जो हीटिंग वैल्यू होगी वो थोड़ा डिफरेंट होगी, बट मोर एंड लेस हम निग्लेजिबल ले लेते हैं और मान लेते हैं कि दोनों सेम ही है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, चूंकि यूनिट की चीजें हैं तो बहुत बार आपसे यूनिट के साथ भी खेलते हैं ये, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू 3023.95 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पर आवर, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। और ये भी यूनिट आप ध्यान रखोगे कि ये इक्वल होता है 1200 BTU पर आवर के भी, तो ये दोनों यूनिट भी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको भी याद रखोगे, बहुत बार इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ये भी सब आपको ध्यान रखना है, आपको पता होगा 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.184 जूल के, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत बार यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड भी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी आपका क्वेश्चन हीट पंप से रिलेटेड है, यहाँ पे हीट पंप का ऑपरेटिंग टेम्परेचर आपको दिया गया है और हीट पंप कितना अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है हमारे सिस्टम को हॉट रखने के लिए वो दिया गया है। तो इस ऑपरेटिंग कंडीशन में आपसे पूछा गया है कि जो हमारा कंप्रेशर होगा उसको कितना इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप फाइंड आउट कर सकते हो इजिली, ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किए हैं। तो COP इज इक्वल टू क्या होता है एज यू नो दैट इज Q1 डिवाइडेड बाई W। आपको जो डायग्राम मैंने ड्रॉ करके दिखाया था जहां पे हमने Q1, Q2 और W की बात की, वो डायग्राम आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये हीट पंप है तो ऊपर क्या आएगा, Q1 आएगा। अगर यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को देखो तो आपसे W पूछा गया है, COP अगर आप फाइंड आउट कर लो, Q1 आपको दिया गया है, इजिली आप W फाइंड आउट कर सकते हो। आप COP फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, COP के लिए आपको टेम्परेचर लिमिट दिया गया है, आपको पता है हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ये होती है COP। तो हायर टेम्परेचर है 60 को केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे दैट इज इक्वल टू 333 डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर 333 माइनस लोअर टेम्परेचर कितना दिया गया है 0 डिग्री 273। तो यहां से जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे दैट इज इक्वल टू 5.55, ये आपको वैल्यू मिल गई। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आप डायरेक्टली करोगे तो ये मिस्टेक कर देते हैं, बहुत बार लोग यूनिट का ध्यान नहीं रखते हैं। यहाँ पे यूनिट आपसे किलोवाट में पूछा गया है, जो हीट का रिजेक्शन है वो किलो जूल पर आवर दिया गया है, तो यहाँ पे इसको आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए Q1 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे, तो 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो ये है 80,000 आपका वैल्यू दिया गया है डिवाइडेड बाई 3600, तो ये हो जाएगा आपका किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 22.22। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, Q1 की वैल्यू आपको मिल गई है 22.22 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है COP का, तो 5.55। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू अराउंड टू अराउंड आएगी 4.0036 वाट एवर दैट, तो दैट इज इक्वल टू 4 किलो वाट। तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन होगा आपका सी करेक्ट होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हीट इंजन विथ 30% इफिशियंसी ड्राइव अ रेफ्रिजरेटर ऑफ COP 5, व्हाट वुड बी द नेट हीट इनपुट टू द इंजन फॉर ईच मेगावाट ऑफ हीट रिमूव्ड इन द रेफ्रिजरेटर। अगर जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो 1 मेगावाट हीट रिमूव करता है तो हमारे जो इंजन है उसको कितना हीट इनपुट देना पड़ेगा ताकि वो सफिशियंट अमाउंट में वर्क सप्लाई कर पाए हमारे रेफ्रिजरेटर को। तो ये क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो ये सपोज करिए हमारा एक हीट इंजन है, इसको हमने हीट सप्लाई किया Q1, इसने कुछ वर्क प्रोड्यूस किया, कुछ हीट को इसने रिजेक्ट कर दिया, सपोज Q2 रिजेक्ट कर दिया, ये जो वर्क था ये हमने दे दिया रेफ्रिजरेटर को, रेफ्रिजरेटर भी 2 टेम्परेचर लिमिट में वर्क कर रहा है, और यहाँ पे दिया गया आपको कि रेफ्रिजरेटर कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है हमारे सिस्टम से या कितना कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज 1 मेगावाट। 1 मेगावाट के लिए पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में कि हर मेगावाट के लिए कितना हीट इनपुट देना पड़ेगा, तो 1 मेगावाट दैट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट, ठीक है, दैट इज 1000 किलोवाट। तो ये हमको दिया गया है, यहाँ से जो हीट, सपोज ये Q3 है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, और ये हमारा Q4 है, तो ये पूरा हमारा डायग्राम हो गया। आपसे सिंपली पूछा गया है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा ताकि वर्क सप्लाई जो है इतना हो पाए कि इतना अमाउंट ऑफ हीट हम यहाँ से रिमूव कर पाए। तो आपको पता है एफिशिएंसी दिया गया है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा हीट इंजन की, हीट इंजन की एफिशिएंसी दिया गया है 3 इज इक्वल टू W बाई Q1। W जो है वो दोनों में कॉमन है, जितना W यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, वर्क जितना प्रोड्यूस हो रहा है वही हमारे रेफ्रिजरेटर को सप्लाई किया जा रहा है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। आपसे पूछा जा रहा है Q1 के बारे में, अगर आप W फाइंड आउट कर लो कहीं से तो इजिली आप Q1 फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि Q1 इज इक्वल टू है W बाई 0.3। सपोज करिए इक्वेशन हमारा 2 है,
तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट है आपका W फाइंड आउट करना। W मतलब वर्क। वर्क कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो? वर्क आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपको सीओपी दिया गया है। तो सीओपी क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको दिया गया है, दैट इज 1000 किलोवाट। सीओपी की वैल्यू आपको दी गई है, सीओपी डिवाइडेड बाई वर्क डन। तो वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 किलोवाट डिवाइडेड बाई सीओपी 5। तो ये हो जाएगा आपका 200 किलोवाट। बहुत ही सिंपल, आपको वर्क मिल गया। वर्क मिल गया तो Q1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क, दैट इज 200 किलोवाट डिवाइडेड बाई 0.3, दैट इज एफिशिएंसी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 666.67 किलोवाट। तो सिंपल आपका जो यहाँ पे आंसर होगा दैट इज सी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम द प्रेशर एट द कूलिंग टर्बाइन आउटलेट इज इक्वल टू। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको डायग्राम याद होगा, अगर आपने एक भी बार पढ़ा होगा एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम तो इजीली आप आंसर कर पाओगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ, डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ से एम्बियंट एयर आती है, आपको पता है काफी कूल होती है, प्रेशर भी काफी कम होता है, 0.2-0.3 बार के आसपास होता है। इसको हम मेन कंप्रेसर में भेज देते हैं, यहाँ पे एक कंप्रेस होती है, इसका प्रेशर और टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो हमारे फेवरेबल नहीं रहता है, मतलब तो उसको केबिन में डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर सकते, तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हमको घटाना पड़ता है। यहाँ से कुछ एयर को हम सेंड कर देते हैं कंबसन प्रोसेस के लिए, जो हमारे इंजन पार्ट, इंजन का पार्ट है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम रैम एयर जो होती है उससे कुछ हीट एक्सचेंज कर देते हैं ताकि हमारी जो एयर है वो थोड़ी कूल हो जाए। कूल होने के बाद इसका टेम्परेचर तो घट गया है, काफी हद तक हमारे केबिन टेम्परेचर के आसपास हो जाता है, थोड़ा बहुत स्टिल ज्यादा होता है। इसके बाद इसका हमको प्रेशर घटाना होता है, इतना करना होता है कि हम केबिन में सप्लाई कर पाए ह्यूमन कंफर्ट लेवल के 1 बार के आसपास या थोड़ा सा कम। फिजिकल लाइफ में ये 0.8-0.9 बार के आसपास सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक्सपेंशन कर देते हैं, थोड़ा सा कूल भी हो जाती है और प्रेशर भी घट जाता है, और इसको हम केबिन में सप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी होगा। और ये जो एग्जिट पोर्शन है ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जब हम साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कूल होके एयर को हम यहाँ से बाहर एग्जॉस्ट फैन के थ्रू भेज देते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, टू रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर आर अरेंज इन द सीरीज एंड देयर सीओपी इज 5-6 रिस्पेक्टिवली। द सीओपी ऑफ कंपोजिट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसका फॉर्मूला होता है सिंपली। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा इसका डिस्कशन तो हम जब डिस्कस करेंगे सिस्टम को, कॉम्बिनेशन को, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। दैट इज इक्वल टू सीओपी 1 मल्टीप्लाई सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम 2, 1 प्लस सीओपी ऑफ 1 प्लस सीओपी ऑफ 2। जब वैल्यू सप्लाई वैल्यू यहां पे रखोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 5 × 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज इक्वल टू 2.5। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, द कोफिशियंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द हीट इंजन वर्किंग ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल इज 6 इफ द मशीन वर्क एज अ रेफ्रिजरेटर विथ द वर्क इनपुट इज 10 किलोवाट द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने आपको ऑलरेडी रिलेशन बता दिया है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस 1, सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6 − 1 दैट इज इक्वल टू 5। हमको 5 मिल गई सीओपी किसकी? हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। अब रेफ्रिजरेशन सिस्टम की सीओपी मिल गई, आपसे पूछा गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हो सीओपी 5 इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट। दिस इज 5, ऑलरेडी आपको वर्क इनपुट दिया गया है तो वर्क इनपुट का इधर मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 10 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दैट इज इक्वल टू 50 किलोवाट। तो हमारा जो ऑप्शन होगा दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 10, अ कूलिंग स्टोरेज हैज द कैपेसिटी ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एट टेम्परेचर इज -3 degrees टू टेम्परेचर 27 degrees। द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द कूलिंग लोड ऑफ 90 किलोवाट। कूलिंग लोड 90 किलोवाट दिया गया है, मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको दिया गया है 90 किलोवाट, तो आपसे पूछा गया है मिनिमम पावर रिक्वायर्ड। तो सिंपली COP इज इक्वल टू क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट दैट इज 90 डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट। अगर आप कहीं से COP फाइंड आउट कर लो तो इजिली आपको वर्क इनपुट मिल जाएगा। COP का आप दूसरा फॉर्मूला जानते हो, COP इज इक्वल टू लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर आपको दिया गया है 3 − 3 दैट इज इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाई हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर आपको दिया गया है 300 केल्विन −270। तो यहां से आपको जो COP की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 9। COP आपको मिल गया, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यहां से आपको वर्क इनपुट मिल जाएगा दैट इज 10 किलो वाट। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेस्ट हीट कैन बी इफेक्टिवली यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसका आंसर उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज बी, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बट इससे रिलेटेड कुछ और चीजें आपको जाननी चाहिए। यहाँ पे एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ये
और ये है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दोनों का अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम ही है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना। अब कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कैसे होता है, जैसे इवेपरेटर में कूलिंग इफेक्ट मिल गया, यहाँ के बाद जो रेफ्रिजरेंट आता है उसका टेम्परेचर कम होता है, यहाँ से हमको हीट को रिजेक्ट करनी होती है हाई टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब यहाँ पे हमको कुछ अमाउंट ऑफ हीट ऐड करनी पड़ेगी और वो हीट एडिशन का काम हम यहाँ पे कंप्रेसर को दे देते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट कहीं पे अवेलेबल है तो कंप्रेसर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको टेम्परेचर ही बढ़ाना है। टेम्परेचर बढ़ाना है तो आप सिंपली हीट सप्लाई करके टेम्परेचर बढ़ा दो, तो वो काम यहाँ पे जनरेटर करता है। तो सिंपली जो हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम होता है वहाँ का जो कंप्रेसर होता है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं जनरेटर से, अब्जॉर्बर से और पंप से। तो इन तीनों के जगह पे यहाँ पे हम कंप्रेसर यूज करते हैं और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में इन तीनों को यूज करते हैं। यहाँ पे वेस्ट हीट को हम यूटिलाइज कर पाते हैं, जिससे हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी मिल जाता है, वेस्ट हीट का यूटिलाइजेशन भी हो जाता है। तो ये वहीं पे वर्क होती है, जैसे सोलर रेफ्रिजरेशन है, आपको ह्यूज अमाउंट में सोलर एनर्जी अवेलेबल है, आप वर्क करो, आपको इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं, क्यों इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरो। तो इस टाइप की चीजें हैं। कहीं पे आप सपोज करिए आपको एक्सेस अमाउंट में कोल एनर्जी, कोयले से बर्निंग एनर्जी अवेलेबल है, वुड की एनर्जी अवेलेबल है, तो आप उन सबका यूटिलाइजेशन यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करते हैं, इन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम थ्रोटल वाल्व इज यूज इन द प्लेस ऑफ एक्सपेंडर। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इंटरव्यू सीरीज में, ये क्वेश्चन लेके काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि एक्सपेंडर का क्या एडवांटेज होता है, या फिर थ्रोटल वाल्व हम क्यों यूज करते हैं, या फिर एक्सपेंडर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीओपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे क्या होगा, चेंज होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, व्हाटएवर, ये सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस किया है, बट उतना डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए कई सारे रीजन होते हैं यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंडर होता है, बेसिकली इसका पर्पज यूज करने का बस यही होता है कि एक्सपेंड करके हमको कुछ वर्क मिल जाता है, उस एडिशनल वर्क को हम कंप्रेसर को सप्लाई कर देते हैं, जिसके वजह से हमका हमारा जो कंजप्शन होता है कंप्रेसर का वो घट जाता है, हमको कुछ फाइनेंशियल एड मिल जाता है। बट ये चीज हम यहाँ पे नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब होती है, वो लिक्विड को हैंडल करती है। अगर आपने यहाँ पे एक्सपेंडर लगा भी दिया तो जो आपको वर्क मिलेगा वो निग्लेजिबल मिलेगा, और आपको एक्सपेंडर लगाने के लिए ज्यादा पैसे खर्चा करने पड़ेंगे, आपका जो सिस्टम है उसका वेट ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इन सारे की वजह से हम यहाँ पे एक्सपेंडर यूज नहीं करते हैं, हम हमारे थ्रोटलिंग या फिर जो हमारी कैपिलरी ट्यूब होती है उससे काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, कि जो पॉजिटिव वर्क होता है इन केस ऑफ लिक्विड वो बहुत कम मिलता है हमको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश चैम्बर इन द सिंगल स्टेज सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल इज। सिंपली आपको ये पता होगा कि जो फ्लैश चैम्बर है उसका यूज हम क्यों करते हैं, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे। बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे इफेक्ट होता है, कैसे नहीं होता है, इसको समझने के लिए हमने एक डायग्राम लिया, इस डायग्राम से आपको समझना है। अभी के लिए हमको फ्लैश चैम्बर का डिस्कशन करना है, पर हम फ्लैश चैम्बर को रिमूव कर देते हैं। आप मान लीजिए कि यहाँ पे कोई फ्लैश चैम्बर है नहीं, फ्लैश चैम्बर नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारे कंडेंसर से आएगा, ये हमारा एक्सपेंशन डिवाइस है इसमें जाएगा, इसके बाद हमारा इवेपरेटर में चला जाएगा जहाँ पे ये लेटेंट हीट ऑफ द इवेपरेशन को अब्जॉर्ब करेगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब इसको थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए 1 kg ऑफ रेफ्रिजरेंट यहाँ से आता है, 1 kg रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में जब हमारे एक्सपेंशन डिवाइस में गया, एक्सपेंशन डिवाइस क्या होता है, एक इनरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ड्यू टू इनरिवर्सिबिलिटी यहाँ पे कुछ हीट जनरेशन होगा, हीट जनरेशन के वजह से जो 1 kg ऑफ रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, कुछ इसका कुछ पोर्शन। तो सपोज कर लीजिए एक डाटा ले लेते हैं, 0.5 kg अभी भी लिक्विड में है और 0.1 kg ये इवेपोरेट हो गया। अब जो हमारा इफेक्ट मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ द इवेपोरेशन है, कुछ तो ऑलरेडी इवेपोरेट हो गया है, तो 0.9 kg के वजह से यहाँ पे हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया कि अगर फ्लैश चेंबर हटा देंगे तो होगा क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा आप सब्र रखिए, अब हम यहाँ पे फ्लैश चेंबर लगा के देखते हैं कि क्या होता है। अब हमने फ्लैश चेंबर लगाया, फ्लैश चेंबर क्या है, जो ये इवेपोरेट हो गया है इसको ये क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा और 0.9 kg को ये सप्लाई करेगा, जिसके वजह से हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। देखिए फ्लैश चेंबर नहीं था
तो भी हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 0.9 केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट है उसी की वजह से मिल रहा था, मतलब सेम अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ द इवेपोरेशन अब्सॉर्ब करेगी, और फ्लैश चेंबर लगाने के बाद भी हमको जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है वो 0.9 केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट की वजह से मिल रहा है। ये जो 0.1 केजी है ये पहले भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, अब भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। फ्लैश चेंबर किया क्या, फ्लैश चेंबर बस इसको एब्जॉर्ब कर लिया है, जो मास फ्लो रेट को मिनिमाइज कर दिया है। मास फ्लो रेट मिनिमाइज करने से होगा क्या, जो साइज है आपके इवेपोरेटर की वो छोटी हो जाएगी, आप छोटे इवेपोरेटर से काम चला सकते हो। जो मास, जो मतलब यहाँ पे वेपर फॉर्म है रेफ्रिजरेंट का, जो बिना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में पार्टिसिपेट किए हुए घूम रहा था उसको हम क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके वजह से साइज रिड्यूस हो जाती है हमारे इवेपोरेटिंग सिस्टम की। तो ये सीओपी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, सीओपी एज इट इज रहेगी, बस ये साइज रिड्यूस कर देता है हमारे इवेपोरेटर का। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लीकेज इन द फ्यूरन बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैन बी डिटेक्टेड बाई यूजिंग ऑफ, लीकेज आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, तो लीकेज आप सॉफ्ट सॉल्यूशन से डिटेक्ट कर सकते हो, ये हैलाइड टॉर्च से डिटेक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल डिटेक्टर आता है उससे डिटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है हैलाइड टॉर्च दिया गया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी जो मैं ऑप्शन बताया हूँ वो भी आपको आ सकता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, इन सबको मैच करना है। यहाँ पे आपको नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं सबका नोमेनक्लेचर करके तो आपको नहीं बताऊंगा, बट कुछ फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखना है वो मैं बता देता हूँ। तो केमिकल फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो केमिकल फॉर्मूला होता है CmHnFpCl³। ये हमारे जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उनका केमिकल फॉर्मूला होता है। अगर हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, ये किसके लिए है, फॉर द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपको ध्यान रखना है। रिलेशन नाम कैसे लिखते हैं हम, जैसे ये नाम लिखा गया है, नाम कैसे लिखते हैं हम, अगर आपको नाम लिखना है मतलब ये सारी वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आप लिखोगे आर एम माइनस वन एन वन एन प्लस वन और पी, ये होगा हमारा नोमेनक्लेचर। एक फॉर्मूला और आपको चाहिए वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज एन प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू टू एम प्लस टू। मोस्ट प्रोबेबली ये सारे फॉर्मूले आप जानते होंगे, तो यहाँ से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो सारे। बट यहाँ पे कुछ अनसेचुरेटेड भी हैं, तो अगर अनसेचुरेटेड हैं तो अनसेचुरेटेड के केस में आपको ये रखना होता है आर वन एम माइनस वन एन प्लस वन और पी, अगर अनसेचुरेटेड है तो। इनऑर्गेनिक है, अगर इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है तो उसका नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे, तो इनऑर्गेनिक का बहुत ही सिंपल होता है, आर होता है 700 प्लस मॉलिकुलर वेट, जैसे कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक दिया गया है आर 713, ये है NH3, NH3 का मॉलिकुलर वेट होता है 70, और 700 में ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 717। तो इसका आपको पता चल गया। यहाँ पे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक एग्जांपल मैं आप सबको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। तो यहाँ पे आपको दिया गया है R12, एक जीरो रख लेते हैं ताकि हमारी ये क्वांटिटी इससे मैच कर जाए। अब अगर हम वैल्यू रखें तो एम माइनस वन इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो होगा, हम कंपेयर कर रहे हैं सिंपली इसको, तो यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी 1। अगर हम n की वैल्यू लिखें तो n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल गई 0। यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी, p की वैल्यू डायरेक्टली आपको मिल जाएगी 2। आपको q की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ से आपको q की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो आपको q की वैल्यू मिल गई, n की, m की, p की, सबकी वैल्यू मिल गई। अब आप सिंपली इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, किसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू आपको मिला है 1, तो सिंपली आएगा C, और H, N की वैल्यू 0 है तो ये N की वैल्यू 0 है तो ये H वाला पोर्शन निकल जाएगा। P की वैल्यू 2 है, P की वैल्यू अगर 2 है तो हम F2 लिख सकते हैं, और Cl³ इसकी भी वैल्यू 2 है तो हम Cl² लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बाकियों को भी सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे जो आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो बी होगा, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कोई एक पर्टिकुलर दे देगा उसका नोमेनक्लेचर आपसे पूछ लेगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अ सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज द जनरेटर टेम्परेचर इज 87 डिग्री सेंटीग्रेड, इवेपोरेटर टेम्परेचर इज -3 डिग्री सेंटीग्रेड, कंडेंसर हैज अब्सॉर्प्शन टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट्स मैक्सिमम पॉसिबल सीओपीज, कितना सीओपी होगी, सीओपी का आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ पे डेरिवेशन करके मैं नहीं बताऊंगा, जब हम वेपर ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे डेरिवेशन कर लेंगे। तो सीओपी होता है
इवेपरेटर में हीट कितना आपने एब्जॉर्ब किया है वो, और कितना वर्क आपको देना पड़ा है वो। तो अब देखिए ये वेपर एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पे कंप्रेशन तो होता नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको वर्क कहाँ देना है। वर्क के बदले हम यहाँ पे हीट देते हैं, दैट इज नॉट अ मैटर। तो हम कहाँ कहाँ पे इनपुट देते हैं, अगर सिंपली आप समझना चाहो तो हम कहाँ कहाँ पे इनपुट देते हैं। तो इनपुट आप देते हो जनरेटर में, जहाँ पे आप क्यू जी देते हो, प्लस आपने पंप लगाया हुआ है तो उसको कुछ वर्क देना पड़ेगा, मतलब पंप वर्क। यहाँ पे आपसे पूछा है मैक्सिमम, तो हम ये कह देते हैं चलिए ये पंप की जो एनर्जी जितना आप देते हो उसको वो निग्लिजिबल मान लेते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीओपी का फॉर्मूला आएगा वो कितना हीट अब्जॉर्ब हुई और कितना हीट आपने जनरेटर में दिया है। जनरेटर में कौन सी हीट आप देते हो, हमने इसके पहले डिस्कस किया था, वेस्ट हीट। अब यहाँ पे जो आपका सीओपी का फॉर्मूला आया है वो आया है हीट के टर्म्स में, बट आपको हीट में दिया नहीं गया है, तो आपको टेम्परेचर में कन्वर्ट करना होगा, एनर्जी बैलेंस फॉर्मूले लगाने होंगे, बट वो सब हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ये बस आपको मैंने समझने के लिए बता दिया, यही यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अगर इसको आप जब हम डिस्कस करेंगे वेपर अब्जॉर्प्शन तो वहाँ पे देख लेंगे। अभी जब ये टेम्परेचर के टर्म में फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा TE, मतलब ये ऑपरेटर का टेम्परेचर, माइनस TC माइनस TE, ये ऑपरेटर का टेम्परेचर, दिस इज द कंडेंसर टेम्परेचर, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई TG माइनस TC डिवाइडेड बाई TG। ये सारी वैल्यू आपको दी गई है। यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है जनरेटर का वो 360 दिया गया है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। जो आपका इवेपरेटर का टेम्परेचर है वो 270 दिया गया है, मतलब -3 दिया गया है, और जो आपका कंडेंसर का टेम्परेचर है वो 27, मतलब 300 केल्विन दिया गया है। ये सारी वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको जो सीओपी की वैल्यू मिलेगी दैट इज 1.5। वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको, 270 आ जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाई 30, वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लेना, ये आ जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाई 360। तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1.5, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपके रेफ्रिजरेंट को सुपर हीट करने में और सब कूल करने में सीओपी पे क्या इफेक्ट होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप अगर डायग्राम ड्रॉ करके देखते हो तो ये हो गया आपका फेज डायग्राम। यहाँ पे आपको आपका इवेपरेटर होता है जहाँ पे आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए सुपर हीट करना है तो आप इस रीजन में आ गए, नहीं तो आप यहीं पे रहते सेचुरेटेड वेपर कंडीशन में। सुपर हीट कर दिया आपने तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, सीओपी बढ़ गया, ये आपका कंप्रेशर है इस तरीके से। यहाँ पे आपने सब कूल करने के लिए बोला गया कंडेंसर में, तो यहाँ पे प्रोसेस आपका कंडेंसर का है, यहाँ पे आपका सब कूल कर दिया गया। तो पहले अगर सेचुरेटेड पे रहते तो आपका ये पॉइंट आता, आपने सब कूल कर दिया, ये आ गया, तो यहाँ पे भी आपका सीओपी बढ़ा है और यहाँ पे भी आपको सीओपी बढ़ा है। ये किसके वजह से बढ़ा है, सुपर हीटिंग के वजह से। ये किसके वजह से बढ़ा है, सब कूलिंग के वजह से। तो सिंपल आप क्या कह सकते हो कि सब कूलिंग और सुपर हीटिंग विल इंक्रीज द सीओपी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फॉलोइंग डाटा रिफर टू द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यहाँ पे आपको दिया गया है इनलेट क्या है हमारे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, कंप्रेशर का आउटलेट क्या है, कंडेंसर का आउटलेट क्या है, तो आपसे सीओपी पूछा गया है। यहीं पे लिख देते हैं। तो पहला चीज आपको दिया गया इनलेट, ये है कंप्रेशर का इनलेट, यहाँ की वैल्यू आपको दी गई है 1220। यूनिट आप देख लेना, यूनिट सबकी सेम है तो बहुत ज्यादा आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। इसका आउटलेट भी आपको दिया गया है तो 1400। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा वर्क। वर्क आप जब फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 200। वेरी सिंपल, वर्क मिल गया आपको। नेक्स्ट चीज आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, वो मिल जाएगा तो सिंपली आपको सीओपी मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज आपको दिया गया है कंडेंसर का आउटलेट, तो ये हो गया कंडेंसर का आउटलेट। यहाँ पे सैचुरेशन कंडीशन में अगर हम बात कर लें, कोई सा बात कर लो, ऐसा कुछ दिया गया नहीं है, तो ये हो जाएगा 200। और चूंकि इसके बीच में जो हमारा कंडेंसर है उससे और इवेपरेटर के बीच में केवल हमारे पास कैपेलरी ट्यूब होती है, जो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है वहां पे इंथैल्पी चेंज नहीं होती है आइडियल कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ की भी इंथैल्पी क्या होगी, 200 ही होगी। तो ये हो गया 200, ये है 12, तो हमने इसको माइनस कर दिया तो हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल जाएगा। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 1200 माइनस 200 और ये हो जाएगा आपका 1000। और आपको चाहिए सीओपी, तो 1000 को वर्क से डिवाइड कर दो, वर्क आपने निकाला है 200, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन पीरियोडिक डिफ्रॉस्टिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज द फ्रॉस्टिंग। देखो जो डिफ्रॉस्टिंग होता है, मतलब आपको फीलिंग नहीं आ रही हो तो इसको ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जो आइस जम जाती है, कभी आपने फ्रिज ऑन करके छोड़ दिया तो आप देखोगे जो फ्रीजर यूनिट होती है उसमें जो आइस होता है वो कलेक्ट हो जाता है हमारे पाइप्स के ऊपर। अब आप समझने की कोशिश करो कि ये जो हमारी पाइप है इसमें कूल रेफ्रिजरेंट
फ्लो कर रहा होता है, काफी कूल्ड होता है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है। हमारा जो सिस्टम है, फ्रूट्स जो भी आप रखोगे उससे हीट एक्सचेंज होगा। अब इसके ऊपर आइस कलेक्ट हो गई है तो ये हीट ट्रांसफर में एक रेजिस्टेंस डेवलप कर देगा, हीट ट्रांसफर होने नहीं देगा प्रॉपरली, मतलब हीट एक्सट्रैक्शन को ये रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा, रिड्यूस हीट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द सिस्टम, जिसके वजह से आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, जिसके वजह से आपका सीओपी भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसके वजह से आपको पीरियडिक डिफ्रॉस्टिंग करनी पड़ती है। और घर के फ्रिज में तो आप बंद कर देते हो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट करता है, जैसे जो आपने देखे होंगे कहीं भी आइसक्रीम लेने गए तो वहां पे उनका फ्रीजर देखोगे तो हमेशा आइस से भरा रहता है, बट वो बेचने वाले ऐसे होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो चलाते रहते हैं, बट दैट इज ड्रास्टिकली चेंज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन द एक्सपेंशन वॉल्व ऑफ द रेफ्रिजरेटर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिमेन कॉन्स्टेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट होती है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है तो इनथैल्पी इसकी कॉन्स्टेंट होती है। और भी आपको कुछ जानना चाहिए, एक तरह का इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो एक्सपेंशन इज द इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, कॉन्स्टेंट इनथैल्पी प्रोसेस, यहाँ पे जो आपका वर्क डन होता है वो भी जीरो होता है। तो ये सारी चीजें आप एक्सपेंशन वॉल्व के बारे में ध्यान रखोगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी द वेट बल्ब टेम्परेचर इज, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो हमारे एयर की जो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये सारे टेम्परेचर इक्वल हो जाते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर कैसे इक्वल होता है, बाद में वेट बल्ब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को भी समझ लेंगे। तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, बेसिकली हम टेम्परेचर मेजर करते हैं गीला कपड़ा लगा के ना। तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई है तो आप गीला कपड़ा लगा के मेजर करो टेम्परेचर, या फिर बिना कपड़े लगाए मेजर करो, टेम्परेचर सेम ही मेजर करने वाला है क्योंकि अब इवापोरेशन होगा ही नहीं। गीला कपड़ा लगा के मेजर करने का एडवांटेज क्या था कि जब हम ड्राई एयर को मेजर करते हैं गीला कपड़ा लगा के तो वहां से वाटर का इवापोरेशन हो जाता है और हमारे ड्राई एयर का टेम्परेचर घट जाता है, इसलिए हमारा जो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम आता है। बट यहाँ पे तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, हमारे एयर की वाटर कैरी करने की कैपेसिटी फुलफिल हो गई है, वो सेचुरेट हो गई है, फर्दर इवापोरेशन होगा नहीं, फर्दर वो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है वो अब्जॉर्ब करेगी नहीं, उसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा। तो इसलिए वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे सेम होगा। अब जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर टू विच द एम्बियंट एयर मस्ट कूल टू रीच द 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब ये 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे पहुंच गया है उस टाइम पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि उससे ज्यादा फर्दर वो हीट मतलब फर्दर वो वाटर ड्रॉपलेट कैरी नहीं कर सकते एयर, तो वहां पे कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। कंडेंसेशन कब होगा, जब ड्यू पॉइंट अचीव हो जाएगा, तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा वो वेट बल्ब टेम्परेचर के सेम हो जाएगा और ड्राई बल्ब टेम्परेचर के सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा, सेम एज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। आपसे एग्जाम में ड्राई बल्ब टेम्परेचर के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तीनों के रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंक्रीज ड्यूरिंग द सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर वाटर वेपर मिक्सचर। ठीक है, तो एक बार आप इसको साइकोमेट्रिक चार्ट में ड्रॉ कर लो, इससे रिलेटेड काफी चीजें हमने डिस्कस किया है जब हम साइकोमेट्रिक चार्ट डिस्कस कर रहे थे। तो ये हो गई आपकी सेंसिबल हीटिंग, ये टेम्परेचर आपको मिल गया, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अगर आप वेट बल्ब की बात करो तो वेट बल्ब लाइन कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड लाइन या डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हैं हम, और इसी के पैरलर अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैलकुलेशन की बात करो तो पैरलर लेते हैं, बट एग्जैक्टली ये पैरलर नहीं होती है, तो इसी के पैरलर हमारी इनथैल्पी लाइन होती है, हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, होती नहीं है बट एज्यूम कर लेते हैं। तो इसी के पैरेलल इनथैल्पी लाइन होगी, तो आपको दिख रहा होगा कि वेट बल्ब टेम्परेचर और इनथैल्पी दोनों यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, तो 3 और 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे 3 और 4, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपको इस सारे क्वेश्चन को साइकोमेट्रिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो एक 1 आवर अराउंड का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया गया है, वहां पे आप जाके देख सकते हो, आपको डिटेल में चीजें सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अ डेजर्ट कूलर हैविंग अ कूलिंग एफिशिएंसी 70% रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर फ्रॉम 37 डिग्री थ्रू 30 डिग्री द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर इज। ठीक है, तो यहाँ पे कूलिंग एफिशिएंसी की बात किया है, तो आप कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। सपोज करिए आपके पास एक कूलर है, कूलर क्या करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, ड्यू टू द इवापोरेटिंग कूलिंग। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हम इसका टेम्परेचर क्या है, टी है, आउटसाइड का आपका टेम्परेचर दिया गया है T1 दैट इज 37 डिग्री, एग्जिट कितने पे करता है सपोज कर लेते हैं T2 दैट इज 30 डिग्री, ये इसका एग्जिट है, यहाँ पे दिया गया है आपको, और यहाँ पे आपको एफिशियंसी दिया गया है 70%। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो,
0.7 लिख दी हूं। अगर सिंपल फॉर्मूला हम लगाते हैं तो एक्चुअल एक्सचेंज मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो कितना टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, कितना हीट एक्सचेंज होना चाहिए और कितना हो रहा है, यही तो इसकी एफिशिएंसी है, यही तो हमारे कूलर की एफिशिएंसी बताएगा कि एक्चुअल वो कितना कर सकता था और कितना हो रहा है, एक्चुअल कितना हो सकता था ये जो टेम्परेचर है हमारे, इस टेम्परेचर को अचीव कर ले तो हम कहेंगे भैया 100% एफिशिएंसी है, क्योंकि इसका मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, जितना हमारे वाटर का टेम्परेचर है, और हमारे वाटर का टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री है, बट होता हो कितना रहा है, T2 हो रहा है, मतलब 30 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एफिशियंसी लिख सकते हैं T1 मतलब एक्चुअल कितना हुआ है, T1 माइनस T2 कितना हो सकता था, T1 माइनस T, तो ये वैल्यू हो गई आपकी, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 37 डिवाइडेड बाई 37 माइनस टी, तो यहां से आप जब टी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये एफिशिएंसी आपको दिया गया है 0.7, यहां पे टी की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो आ जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, एयर एट 30 डिग्री 1 बार है द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दिया गया है आपको, बाय कंसीडरिंग द सेचुरेशन प्रेशर ऑफ द वाटर एज 30 डिग्रीज दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू, सेचुरेशन प्रेशर आपको दिया गया है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का आपको फॉर्मूला पता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू होता है वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर एज सेचुरेशन कंडीशन मल्टीप्लाई 100। यहां से अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो किसकी वैल्यू, पीबी की, क्योंकि आपको सेचुरेशन कंडीशन में वैल्यू दी गई है, तो यहां से आपको स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दी गई है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू दी गई, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.622 मल्टीप्लाई पीवी डिवाइडेड बाई पीए, तो ये सारी वैल्यू आपको दी गई है, पीए की वैल्यू 1 बार दिया गया है, पीवी की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज अराउंड 58.8 या 58.9 या 59% के आसपास। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बाईपास पे बेस्ड है, बाईपास फैक्टर भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, सिंपल फार्मूला बेस्ड है ये, तो यहाँ पे आपको बाईपास फैक्टर दिया गया है, बाईपास फैक्टर 4.5 दिया गया है, बाईपास फैक्टर इक्वल टू होता क्या है, एग्जिट टेम्परेचर माइनस सरफेस टेम्परेचर डिवाइडेड बाय एंट्रिंग टेम्परेचर माइनस सरफेस टेम्परेचर, यहाँ पे आपको एग्जिट टेम्परेचर पूछा गया है, तो एग्जिट टेम्परेचर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बाकी सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी, एग्जिट टेम्परेचर -10 है +10 हो जाएगा, एंट्रिंग टेम्परेचर 30 है -10 है तो +10 हो जाएगा, यहाँ से आपको एग्जिट टेम्परेचर की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड, दैट इज बी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर एज लॉन्ग एज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिमेन कॉन्स्टेंट, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और इससे रिलेटेड ज्यादा चीजें आपको जानना है तो आपको साइकोमेट्रिक का लेक्चर देखना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो सकती है, डजंट मैटर उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज हो या ना हो, एक चीज आपको समझना होगा कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ये बताती है कि कोई एयर कितना वाटर कैरी कर सकती है, वो कितना कैरी करे, सपोज वो 1 kg कैरी कर सकती है, अगर वो कर रही है 0.5 kg कर रही है तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% हो जाएगी, क्योंकि जितना उसकी कैपेसिटी है उसका 50% वो कैरी कर रही है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है कि कितना अमाउंट ऑफ वो वाटर कैरी करे, सिंपली अमाउंट ऑफ वाटर कैरीड बाय द एयर, ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज नहीं हो तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी चेंज नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द कंडेंसेशन बिगेन व्हेन एयर इज कूल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, भाई ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कूल्ड होगी, ठीक है, जब भी वो अपना ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अचीव कर लेगी तब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन दिया गया है, सेचुरेटेड एयर पासिंग ओवर द वाटर सरफेस डज नॉट कॉजेज चेंज इन द एयर टेम्परेचर, बात बिल्कुल भी सही है, अगर वो सेचुरेटेड एयर है ऑलरेडी जितना कैपेसिटी वो वाटर बियर कर सकती थी उतना अब्जॉर्ब कर लिया है, तो जो इवापोरेटिंग कूलिंग होती है वहां पे क्लोज हो जाती है, अब इवापोरेटिंग कूलिंग वहां पे नहीं होगी तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, और इसको मैंने बताया भी है कई जगह डिटेल में, किसमें बताया है, साइकोमेट्रिक चार्ट जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी इसके बारे में डिटेल में बात की है। इंटरव्यू सीरीज में आप देखोगे तो मैंने कूलर के ऊपर एक आई थिंक 5 मिनट की वीडियो बनाया है इवेपरेटिंग कूलिंग पे, उसके बारे में भी बात की है कि जो हमारा कूलर होता है क्यों वर्क नहीं करता है हमारे कोस्टल रीजन में, या जो बारिश के टाइम पे क्यों वर्क नहीं करता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, आप चाहो तो देख सकते हो। जो ऑप्शन 4 है, फॉर सेचुरेटेड एयर ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आर आइडेंटिकल,
सही बात है, यही तो हम बात कर रहे थे ना, 100% अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है मतलब सेचुरेटेड कंडीशन अचीव हो गई है तो ये सारे टेम्परेचर सेम होंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कैसे सेम होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका 3 और 4 करेक्ट होगा, उसके हिसाब से डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हीट पंप एंड एयर कंडीशनर हैव द सेम मैकेनिकल कंपोनेंट। बिल्कुल सही बात है, उनके पास एक ही मैकेनिकल कंपोनेंट होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। द सेम सिस्टम कैन बी यूज एज द हीट पंप इन द विंटर एंड एयर कंडीशनर इन द समर। बिल्कुल भी सही बात है, यूज होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट जो ऑप्शन है, द कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द हीट पंप फॉल सिग्निफिकेंटली एट हाई टेम्परेचर। ये भी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना उसकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी, सीओपी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो चेंज होगी होगी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, द कोल्ड स्टोरेज हैज द कैपेसिटी ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज 0.3 व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज 27, द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द कूलिंग लोड इज 90। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इससे पहले भी हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, शायद दोबारा आ गया गलती से, ऑप्शन हमारा सी आया था 10 kW, इससे पहले हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इन अ सर्टन आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल सीओपी ऑफ द हीट पंप इज 5, द साइकिल अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन रनिंग एज द हीट इंजन विल हैव द एफिशिएंसी एज। आईएएस एग्जाम में आपसे पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप ये देख लो, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वर्क डिवाइडेड बाई हीट इनपुट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क इनपुट Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, या इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, ठीक है। अब आपको COP दिया गया है, तो सिंपली आपको Q2 बाई Q1 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करके इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे आप, COP इज इक्वल टू क्या होता है, डिजायर इफेक्ट मतलब Q2 डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट Q1 माइनस Q2। यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए सपोज Q2 आपने बाहर लिया तो यहां पे आपको वैल्यू मिलेगी 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई Q1, और ये वैल्यू आपको दिया गया है COP इज इक्वल टू 5। तो यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो Q2 माइनस Q1 की, जब यहां से वैल्यू आप Q1 माइनस Q2 की फाइंड आउट करोगे तो वो वैल्यू आपको आ जाएगी 0.833। ये किसकी वैल्यू आएगी आपको, Q2 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 की। ये वैल्यू जब यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको एफिशिएंसी की वैल्यू मिल जाएगी, और एफिशिएंसी की वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज 0.167 और अराउंड 2 के आसपास। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया गया है और रिलेशन पूछा गया है यहाँ पे सीओपी और आपके एफिशिएंसी में। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, बट आपको डायग्राम थोड़ा समझना है कि एक टेम्परेचर है T1 हमारी बॉडी, यहाँ से Q1 हीट अब्जॉर्ब हो रही है, हमारा इंजन है, यहाँ से वर्क सप्लाई किया जा रहा है हमारे रेफ्रिजरेटर हीट पंप को, सॉरी हीट पंप, यहाँ से Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रही है, यहाँ से Q3 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो आपसे रिलेशन पूछा है COP ऑफ हीट पंप एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन में। तो सिंपली आप इसको भी पहले जैसे ही लगा सकते हो, आपको पता है एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, सिंपल फार्मूला है। नेक्स्ट COP का फार्मूला लिखते हैं, तो COP ऑफ हीट पंप क्या होता है, COP ऑफ हीट पंप यहां पे क्या हो जाएगा Q3, क्योंकि Q3 दिस इज द डिजायरेबल इफेक्ट, Q3 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, तो दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज कर लेते हैं 2 है। अब हम एनर्जी बैलेंस लगा देते हैं, तो यहाँ पे वर्क इनपुट, ये वाला वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, और यहाँ के लिए वर्क इनपुट क्या हो जाएगा हमारा Q3 माइनस Q2 हो जाएगा, Q2 से Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमको Q1 इज इक्वल टू Q3 मिल गया। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे Q1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो COP ऑफ हीट पंप मतलब COP ऑफ हीट पंप यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q1 डिवाइडेड बाई W, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम W की वैल्यू क्या हो जाएगी Q1 माइनस Q2, वेरी सिंपल, यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, Q1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपको मिल गया 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, ये हो गया आपकी COP। अब 1 बाई COP कर देते हो आप तो ये वैल्यू मिल जाएगी, तो आप सिंपली आप देख रहे होगे ना ये इनवर्स है, तो हम कह सकते हैं COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू एफिशियंसी, ये एफिशियंसी ही तो है ना, ये देखो आप एफिशियंसी है एफिशियंसी का इनवर्स, तो आपका जो ऑप्शन मिल गया यहाँ पे सी इज करेक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गेट एग्जाम 2017 में पूछा गया है, अ हीट पंप एब्जॉर्ब 10 किलोवाट ऑफ द हीट फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट एट 250 केल्विन व्हाइल एब्जॉर्बिंग 15 किलोवाट ऑफ वर्क, इट डिलीवर हीट टू द रूम दैट मस्ट बी कीप एट द
टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन द कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस। तो सिंपल अगर आप इसका एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, बहुत देर हो गया डायग्राम ड्रॉ किए हुए, तो वैसे तो आप ड्रॉ कर लोगे, दैट इज नॉट अ मैटर। तो ये कितना दिया गया आपको, 250 केल्विन दिया गया है, ये रूम को टेम्परेचर मेंटेन करना है 300 केल्विन। इसको कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये Q1, यहाँ से कितना हीट अब्जॉर्ब किया इन्होंने Q2, कुछ हमने वर्क सप्लाई किया, ये सारी चीज़ें दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप एनर्जी बैलेंस लगाते हो, क्यों एनर्जी बैलेंस लगाना है, क्योंकि आपको COP फाइंड आउट करना है। COP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाई वर्क। तो यहाँ से अगर आप एनर्जी बैलेंस लगाते हो तो आपको हो जाएगा Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी Q1 इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू आपको दिया गया है, ये वैल्यू दिया गया है आपको 10 और ये वर्क का वैल्यू दिया गया है 15, तो ये हो जाएगा 25 किलोवाट। तो COP इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू मिल गई 25 किलोवाट डिवाइडेड बाई वर्क, वर्क आपको दिया गया है 15, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू 1.67। तो COP मिल गया आपको 1.67, सिंपल सा क्वेश्चन था। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वेट बल्ब टेम्परेचर, ये क्वेश्चन तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, ये RTO एग्जाम में आपके पूछा गया है, GPSC RTO में। तो वेट बल्ब टेम्परेचर किसके इक्वल टू होता है, इक्वल टू द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इक्वल टू द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन आर, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन कैसी होती है, डायगोनल होती है या फिर इंक्लाइंड होती है वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म होती हैं, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म होती हैं, डायगोनल होती हैं और इंक्लाइंड, उसको कुछ भी कहते हैं, तो इंक्लाइंड होगी और नॉन यूनिफॉर्म स्पेस्ड होती हैं। मतलब जैसे जैसे इस तरीके से उनको दिखाया जाता है, तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। अगर हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात करें, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं हम, और ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती हैं, ठीक है। अगर हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बात करें, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर वर्टिकल लाइन से हम दिखाते हैं और ये भी यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती हैं। तो इन तीनों के बारे में आप याद रखना, किसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 36-37 दोनों, When the refrigeration cycle are used in the series of the two different refrigerant, the system is called cascade system. बहुत ही सिंपल cascade system, जब आपको अल्ट्रा लो टेम्परेचर चाहिए होता है, तो आप दो रेफ्रिजरेंट को ऐड कर देते हो सीरीज में, जिससे आपको टेम्परेचर कम मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो -40, -50, -80 डिग्री अगर टेम्परेचर आपको चाहिए, तो आप cascade system का यूज करते हो। यहाँ पे टेम्परेचर इतना कम होने से एक क्वेश्चन मुझे याद आया, आप सभी ने ब्लड बैंक का नाम सुना होगा, तो आप मुझे रिप्लाई कमेंट करके बताइएगा कि जो ब्लड होता है वो कौन से टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपको जानना चाहिए, बस फिजिकल क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया। 37, द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिकॉर्डेड बाय द थर्मोमीटर विथ बल्ब कवर्ड बाय द कॉटन विक्स, बहुत ही सिंपल, वेट बल्ब टेम्परेचर उसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस इज द रेशियो बिटवीन द, तो दिस इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल सीओपी टू थ्योरेटिकल सीओपी। एक्चुअल सीओपी मतलब जो आपको एक्चुअल सीओपी मिल रही है, कितना सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है, थ्योरेटिकल जो हम फाइंड आउट करते हैं, जो फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करते हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम एज्यूम कर लेते हैं आइडियली कि ये होता है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीजें नहीं होती हैं। इसलिए जो एक्चुअल सीओपी होती है हमारे से हमेशा ऑलवेज वो कम होती है हमारे रिलेटिव सीओपी से। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एयर कंडीशनिंग मीन्स, एयर कंडीशनिंग में आप क्या करते हो, कूलिंग करते हो, ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग करते हो, वेलोसिटी को मेंटेन करते हो एयर के, ये सारी चीजें आप करते हो तो उसे हम एयर कंडीशनिंग कहते हैं। मतलब एयर पे कंडीशंस अप्लाई करना, उसका टेम्परेचर पे कंडीशन अप्लाई करना, उसके फ्लो पे कंडीशन अप्लाई करना, उसमें ह्यूमिडिटी, उसके ह्यूमिडिटी पे कंडीशन अप्लाई करना, ये सारे को हम क्या कहते हैं, एयर कंडीशनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज रिमेन कॉन्स्टेंट, क्योंकि ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, भाई देखिए वेरी सिंपल, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर सकते हो, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, रेफ्रिजरेंट के प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उसकी कौन कौन सी डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है, उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट से बात कर लो, कंडेंसिंग प्रेशर, इवेपरेटिंग प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर, उसके वेपर डेंसिटी, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसका बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, ये सारी हमारे रेफ्रिजरेंट से रिलेट करती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानना चाहिए, इससे रिलेटेड एक पूरा क्वेश्चन, पूरा लेक्चर बनाया जा सकता है। मैं
हो सकता है एक लेक्चर लेके आऊंगी इस पे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, विथ रीजन आपको बताना है कि ये ऑप्शन क्यों सही है, ये प्रॉपर्टी कम होगी तो हमारे जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, या हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा होगी तो क्या फर्क पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करके बताओगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज वार्म एयर कूल्स इट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इंक्रीज होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन हो रहा है तो वाटर कंटेंट हमारे एयर में बढ़ेगा जिससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट बिफोर इंटरिंग द कंप्रेशर, कंप्रेशर को जब वो इंटर करता है तो क्या उसकी कंडीशन होती है, सेचुरेटेड लिक्विड, सेचुरेटेड वेपर बोलते हैं तो थोड़ा बहुत हम कंफ्यूज भी हो सकते थे, यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकता था बट सुपर हीटेड वेपर, यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये सेचुरेटेड वेपर होता तो कंफ्यूजन हो सकती थी कि दोनों में से क्या होगा, दोनों सही हो सकते थे बट मोस्ट प्रैक्टिकल केसेस हम क्या करते हैं, सुपर हीटेड कंडीशन भेजते हैं। मैंने पहले डिस्कस भी किया है कि सब कूल करने से सुपर हीट करने से सीओपी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वेपर कंप्रेशन एंड वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, इन द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल द रोल ऑफ द कंप्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय द, ऑब्वियसली इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो एब्जॉर्बर और जनरेटर लगा देते हैं, इसके अलावा पंप भी अगर यहाँ पे दिया रहता तो ज्यादा अच्छा होता बट पंप को सेपरेट कर दिया, बट नेवरदलेस तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन अ सेचुरेटेड एयर वाटर वेपर मिक्सचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 100%, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत बार यहाँ पे भी आ गया और आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन को रिपीट होने का, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और डीप पॉइंट टेम्परेचर आर सेम। चलिए दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया बट आप पेशेंस के साथ देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हो उसमें इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।